नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। अजमेर भिलवाड़ा सिक्स लेन पर मांडल चौराया स्थित ओवरब्रिज पर एक केमिकल टैंकर डिवाइडर से टकरा गया। इसके चलते टैंकर से केमिकल हाईवे पर बह गया और उससे निकली गैस के प्रभाव से आसपास मौजूद डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग अचेत हो गए। इनमें से 6 को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मांडल पुलिस के अनुसार केमिकल भरा टैंकर अजमेर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहा था। देर शाम यह टैंकर मांडल चौराया ओवरब्रिज पर पहुंचा और बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया। इसके चलते टैंकर से केमिकल का रिसाव होने लगा। केमिकल बहता हुआ ओवरब्रिज से नीचे तक चला गया। इसके चलते केमिकल से निकली गैस आसपास के इलाके में फैल गई। देखते ही देखते आसपास के दुकानदारों के साथ ही राहगीर बेहोश होने लगे। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मांडल चौकी प्रभारी चिराग खां काय मखानी में जाप्ता मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए हालात उच्च अधिकारियों को बताए। साथ ही एम्बुलेंस को सूचना दी। जिला अस्पताल में एक ही परिवार के 4 लोगों सहित 6 लोगों को भर्ती कर उपचार किया गया। इनमें प्रदीप पीपाड़ा, सुनीता राशि व ऋषभ शामिल है। पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि इन बीमार लोगों में 2 महिलाएं 4 पुरुष शामिल हैं। पता है कि ट्रेलर खड़ा था, बहुत उसमें 2-5 मिनट से खड़ा था। पीछे से कोई गाड़ी आई वो उसमें पता नहीं क्या था, वो ऐसा पेट्रोल जैसा वह के आया। उसकी गैस से हम लोगों को खड़ा बेहोशी टाइप फैलने के बेहोशी टाइप मेरी दुकान उसके नीचे जहाँ मतलब हुआ था उसके नीचे मेरी दुकान। पूरे परिवार वाले मतलब चपेट में आ गए। मकान भी उधर ही है। मकान में क्या नाम आपका? प्रदीप, प्रदीप पिपाड़ा। अच्छा, पूरे कितने सदस्य इसे शिकार हुए गैस के? हम मतलब एक ही फैमिली है। कितने 6 आदमी? जिले में पटवारी भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन दोनों चरण की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। दूसरे दिन की परीक्षा के प्रथम चरण में 11,304 में से 7,610 जबकि दूसरे चरण में 7,315 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। उधर पुलिस व प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच अभ्यर्थियों को 3 चरण की जांच सुरक्षा से गुजरने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया। वहीं परीक्षा के चलते इंटरनेट सेवा भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रही। परीक्षा कंट्रोल रूम के मुताबिक पटवार भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को 35 केंद्रों पर सुबह 8 से 11 बजे तक प्रथम पारी व दोपहर 2 से 6 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा आयोजित की गई। प्रथम पारी में 11,304 में से 7,610 जबकि दूसरी पारी में 7,315 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इधर नकल की गतिविधि पर लगाम कसने के लिए जिले में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया। बैग वाले उधर चले जाओ भैया, बैग वाले उधर रहो भैया। भिलवाड़ा में अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रख कथा सुनी। मेहंदी लगे हाथों में करवे लेकर महिलाओं ने भक्ति भाव से चौथ माता का पूजन कर व्रत प्रारंभ किया। सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ पर एक साथ माता का पूजन किया। महिलाएं आज दिन भर उपवास रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी और रात को चंद्रोदय होने पर अपने पति के हाथों से पानी पीकर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलेंगी। भिलवाड़ा के तेरापन नगर में तेरापन धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण के चातुर्मास में मेडिकल फेटर्निटी डॉक्टर्स और रेजिडेंट चिकित्सकों को आचार्य महाश्रमण ने मंगल प्रवचन में प्रेरणा पाथी प्रदान किया। इस दौरान जिले भर के करीब 200 चिकित्सक मौजूद रहे। मंगल प्रवचन के बाद चातुर्मास व्यवस्था समिति ने चिकित्सकों का सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पवन कुमार, महात्मा गांधी चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिलवाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश काबरा और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा भी मौजूद रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिलवाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश काबरा ने कहा कि आज आईएमए के साथ
साथ ही सभी चिकित्सकों ने आचार्य श्री से आशीर्वचन लेने आए हैं। उन्होंने हमें मन शांत रखने के साथ तत्व ज्ञान दिया है जो बहुत ही लाभकारी है। परिजनों द्वारा हंगामा करने के सवाल पर काबरा ने कहा कि इस बारे में आचार्य महाशमन ने हमें कहा कि हमें मरीज के परिजनों से उसकी वास्तु स्थिति ना छुपाएं, उन्हें सही सही बता दें तो इस तरह के हंगामे नहीं होंगे। चिकित्सक को भगवान ना समझकर इंसान ही समझा जाए। महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड ने कहा कि आचार्य महाशमन ने हमें मरीज को बचाने के पूरे प्रयास करने के लिए कहा है। यदि हम अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं तो विवाद खत्म हो जाते हैं। भीलवाड़ा में चिकित्सा समुदाय है IMA के तहत और सभी डॉक्टर्स आज आचार्य श्री का प्रवचन के लिए यहाँ पे आए हैं और उनको तत्व ज्ञान, मन को कैसे शांत रखना, मेडिटेशन करके इस तरह की जो बातें करी हैं चिकित्सा समुदाय के लिए बहुत ही लाभकारी शक्ति होगी अगर वो उनको अपनाता है। मेडिटेशन के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा जो सवाल जवाब हुए उससे जो सारांश निकलता है उससे ये जानकारी मिली है कि क्योंकि जो हम डॉक्टर्स हैं उसके वहाँ डॉक्टर्स महाप्रज्ञी आचार्य श्री रमन जी हैं, उनका जो प्रवचन हुआ उससे लोगों को काफ़ी लाभ हुआ। देखिए जब कभी इस तरह के मौके आते हैं कि जहाँ आचार्य श्री ने कहा कि जहाँ पे रोगी नहीं बच सकता वहाँ पे उनको सांत्वना देने की बजाय उनको सही स्थिति अगर बताते रहें तो इस तरह की जो हंगामे होते हैं वो नहीं होंगे। और साथ ही हम अपने आप को इंसान ही समझें क्योंकि जो भगवान का दर्जा देने की कोशिश करते हैं वो रोगी हमेशा देंगे, लेकिन हम इंसान जैसे 200 लोग यहाँ पर आए हैं और भीलवाड़ा से बड़ा समुदाय है चिकित्सा का और आज उनको लाभ हुआ है। स्थानीय आकृति कला संस्थान भीलवाड़ा, LNJ समूह, उसवाल ग्रुप, ग्रीनवेली, अंकुर फर्नीचर, रसधारा सांस्कृतिक संस्थान एवं ब्रह्मा कथक संस्थान के सहयोग से गरीब एवं असहाय बच्चों के सहायतार्थ 7 दिवसीय बाल कला प्रदर्शनी लिटिल पिकासो का उद्घाटन रविवार को वकील कॉलोनी स्थित आकृति आर्ट गैलरी में डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय, ललित कला अकादमी के विजय शर्मा, राष्ट्रीय चित्रकार डॉक्टर मीनाबाया, कलाविद रमेश गर्ग, लक्ष्मी नारायण डाट, लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा, लक्ष्मी नारायण वर्मा, गोपाल आचार्य के कमलों द्वारा संपन्न हुआ। जानकारी देते हुए संस्थान के सचिव कैलाश पालिया ने बताया कि इस प्रदर्शनी में 30 लिटिल पुरस्कार अथक जैन, चक्षु मुंदड़ा, सारव पाटोदी, अरविंद जायसवाल, नित्या माथुर, आराध्य मान सिंह का यशस्वी वाहेती, प्रेक्षा जैन, नव्य दुग्गड़, गार्गी सुराणा, धर्मिष्ठा सारस्वत, नव्या भूरा, दृष्टि जैन, निहारिका जैन, आराध्य आचार्य, प्रेक्षा मान सिंह का, दिव्यांशी नाहर, स्मृति मुंदड़ा, मन्नत कोयल, आयुष राठौड़िया, कनक कटारिया, अंशु का अजमेरा, रिदम माहेश्वरी, अपेक्षा बुला, रिदम धवन, दीक्षांत शर्मा, शीला बलाई, साक्षी जैन, इशिका गुप्ता, शेफाली राठौड़ को आमंत्रित अतिथियों ने प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर लिटिल पिकासो 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना रमा पचीसिया ने किया। इस अवसर पर KG कदम, मुकेश शर्मा, त्रिलोक सोनी, ओम सोनी, ममता शर्मा सहित 300 से अधिक कला प्रेमी मौजूद रहे। स्थानीय आकृति आर्ट गैलरी में सोमवार को 4:30 बजे राष्ट्रीय चित्रकार इकबाल हुसैन द्वारा लाइव वाटर कलर का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। यह पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। मैं ये देखता हूँ कि ये जो आकृति कला संस्थान है ये असल में ये जो कैलाश पालिया है इनका शरीर तो पुरुष का है लेकिन ये है असल में माँ। और वो जो दीपिका है ये दोनों, मैं ये अभी कह रहे थे कि इनका मन करता है बच्चों के पैर छूने की आनंद लेते हैं। हमारे पास भी आर्ट करने के लिए और कोई कारण नहीं है। इतने साल से करीब 55 साल हो गए मुझे आर्ट करते हुए। बचपन से बात नहीं करता हूँ, बात की बात कर रहा हूँ जब प्रोफेशनली मैं एक्सप्रेशन करते हैं बच्चों। एक और महत्वपूर्ण बात, आप कभी भी जो कुछ भी बनाएं, आप अपनी जो कल्पना है आपकी कल्पना शक्ति अभी बहुत बहुत जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वीडिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग बैग्स, हैंड बैग्स, आईब्रो, फोरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, डीटेन, हैंड वैक्स, फुल लेग वैक्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फोरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट, हैंड एंड फुल लेग वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर,
हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में कैरेटिन स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं, या हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, एलजी मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार के हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वी दीवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की, अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर, पायल्स बगंदर शिविर, 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय, MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय, MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री हरिशैव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में शारदीय नवरात्रा में संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए चल रहे श्री दुर्गा नवचंडी पाठ व शरद पूर्णिमा पर पूज्य बाबा शिवाराम साहब के 105वें वार्षिक प्राकट्य उत्सव के हवन पर दी गई पुण्याहूति की भस्मी पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन द्वारा माँ गंगा हरिद्वार में रविवार को विसर्जित की गई। इस अवसर पर आचार्य शिव प्रसाद अग्निहोत्री ने भस्मी कलश की माँ गंगा के तट पर मंत्रों द्वारा फल फूल नैवेद्य दीप इत्यादि से विधिवत पूजा अर्चना करवाई। तत्पश्चात महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने भस्मी को मां गंगा में विसर्जित किया तथा प्रार्थना की कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो एवं सभी प्रकार के दुखों का जल्द निवारण हो। स्वामी जी साथ आश्रम के ब्रह्मचारी गोविंद राम, इंद्रदेव कुणाल व सिद्धार्थ व सारथी श्यामलाल जाट उपस्थित थे। स्वामी जी ने अपने आश्रम हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में 19 व 20 अक्टूबर को पूज्य बाबा शिवाराम साहब जी का वार्षिक प्राकट्य उत्सव को सम्पन्न कर हरिद्वार पधारे।
सारथी फाउंडेशन द्वारा पुष्प वाटिका सांगने रोड पर 23 व 24 अक्टूबर की पटवार परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए भोजन व ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। दोनों दिन सभी परीक्षार्थियों को सुबह चाय नाश्ता करवाया। परीक्षार्थियों के तिलक लगाकर व गुड़ से मुंह मीठा कराकर परीक्षार्थियों को सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। संस्था के अंशुल अग्रवाल ने बताया कि 22 व 23 अक्टूबर को बस स्टैंड के बाहर व आसपास बैठे परीक्षार्थियों को देर रात तक चाय व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था संस्था द्वारा की गई। पटवार परीक्षा में आए सभी परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, इसके लिए सारथी फाउंडेशन ने प्रशासन, मीडिया कर्मियों व अन्य संस्थाओं का आभार प्रकट किया। संस्था आगे इसी तरह पूर्ण सहयोग के साथ कार्य करती रहेगी। हमें यहाँ पर रहने की, खाने पीने की जो सुविधा आपने दी, उसके लिए कोटि कोटि आभार। आपने किसी प्रकार की कोई समस्या तकलीफ हमें होने नहीं दी। घर का एहसास आपने कराया और आपको पुनः आपको ढेर सारी श्री गणेश उत्सव प्रबंधन सेवा समिति द्वारा पथरी रोग शिविर 25 व 26 अक्टूबर को होम्योपैथी गैलेक्सी हॉस्पिटल मोती बाबूजी चौराया सांगनेर रोड पर रखा गया है। इसमें पथरी रोग बाहर निकालने की दवाई दी जाएगी। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि इसमें सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां व परामर्श दिया जाएगा। इसमें डॉक्टर किरण शर्मा सभी रोगियों को देखेंगे। श्री गणेश उत्सव प्रबंधन सेवा समिति द्वारा अपना घर वृद्धा आश्रम में शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर लगाया गया, जिसमें शुगर के 50, घुटना दर्द के 70 व एक्यूप्रेशर के 30 रोगी लाभान्वित हुए। डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, सुभाष गर्ग व श्याम सुंदर पारिक ने सभी रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण दूसरे दिन नगर भ्रमण के लिए तेरापंथ नगर स्थित चातुर्मास स्थल से निकले। नगर भ्रमण में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद नगर, बापूनगर और आजाद नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में मंगल पदार्पण किया। इस दौरान उन्होंने एक निजी स्कूल में भी छात्रों को नशा मुक्ति और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करवाने का भी प्रण दिलवाया। इसके साथ बच्चों ने भी आचार्य के समक्ष अनुव्रत पाठ भी किया। नगर भ्रमण के दौरान जैन अजैन लोगों ने आचार्य का पलक पवाड़े बिछाकर स्वागत किया। आचार्य महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के स्वागताध्यक्ष महेंद्र ओस्तवाल ने कहा कि दूसरे दिन आचार्य महाश्रमण नगर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने पहले बापूनगर स्थित आचार्य महाप्रज्ञ सेवा संस्थान पहुंचे, उसके बाद प्रतीक मुनि संघ में दीक्षित है उनके आवास पर भी गए। बापूनगर के बाद वह आजाद नगर में महाप्रज्ञ भवन और एक निजी स्कूल में भी उन्होंने बच्चों से भेंट करके उन्हें व्यसन मुक्त रहने का प्रण भी दिलाया। कोठारी पब्लिक स्कूल के संचालक अमीश कोठारी ने कहा कि आचार्य महाश्रमण के कदम हमारी स्कूल में आज पड़े हैं तो स्कूल धन्य हो गया है। उनके समक्ष छात्रों ने अनुव्रत गीत भी प्रस्तुत किया और आचार्य ने उन्हें नशा मुक्त रहने के साथ ही ईमानदारी से जीवन जीने का प्रण भी दिलवाया। आज गुरुदेव प्रातः काल तेरापंथ नगर आदित्य विहार से भीलवाड़ा भ्रमण के हिसाब से जो भिन्न भिन्न कॉलोनी में आपका पदार्पण हुआ, उसमें सर्वप्रथम बापूनगर जो संस्थान है, महाप्रज्ञ संस्थान है, वहाँ पे पधारे। आपने गुरुदेव ने मंगल पाठ सुनाया और इसी कॉलोनी में यहाँ भीलवाड़ा से प्रतीक मुनि संघ में दीक्षित हैं उनके घर पे भी पधारे और बापूनगर से महाप्रज्ञ भवन आजाद नगर में पधारने का कार्यक्रम है। पूरे रास्ते में संघ के अधिकतर श्रावक श्राविकाएं बिल्कुल अनुशासित तरीके से गुरुदेव के साथ साथ चल रहे हैं और अच्छी कार्यक्रम दिन भर का भीलवाड़ा कॉलोनी में प्रवास का कार्यक्रम। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की मेवाड़ से आने वाली दो विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर अपनी अपनी रूपरेखा रणनीति बनाने के लिए बैठकें आयोजित कर रही है। दरियावाल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह मीणा के समर्थन में आसीन हुरड़ा विधायक जब्बर सिंह साखला पहुंचे। रविवार को दरियावाल भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में क्षेत्रीय विधायक साखला को बबराना मंडल की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व सांसद पाली पुष्प जैन, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रबान सिंह आकिया, प्रतापगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष विधायक जब्बर सिंह सांखला तथा भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हुई बैठक में चुनावी रणनीति के साथ ही विभिन्न मंडलों की जिम्मेदारी दी गई। इससे पूर्व शनिवार को विधायक सांखला की उपस्थिति में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। ख्यात रहे प्रतापगढ़ जिले की धरियावाद विधानसभा सीट का अधिकांश हिस्सा उदयपुर जिले में आता है और उसका संसदीय क्षेत्र उदयपुर लगता है। धरियावाद में भाजपा विधायक गौतमलाल मीणा का कोरोना से निधन के बाद सीट खाली हो गई थी।
शाहपुरा कस्बे के कलिंजरी गेट पर स्थित ठाकुर बाबा की बगीची में हनुमान जी के मंदिर पर चोरी करते युवक को कस्बे वासियों ने पकड़कर जबरदस्त थुनाई कर दी और बाद में युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। शाहपुरा निवासी हनुमान धाकर ने बताया कि ठाकुर बाबा की बगीची में स्थित हनुमान जी के मंदिर में बीती रात 11 बजे एक युवक चोरी करने की मंशा से घुसा और गेहूं का कट्टा चोरी करके मंदिर से बाहर निकल रहा था कि कस्बे वासियों ने उसे दबोच लिया और जमकर पिटाई की। जानकारी के अनुसार इस मंदिर में पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी थी लेकिन अभी तक चोर पकड़ में नहीं आया, जिसका भी गुस्सा कस्बे वासियों ने इस चोर की जमकर पिटाई बाद में मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार रामराज पिता छीतर बैरवा निवासी अमरवासी चोरी के प्रयास में पकड़ा गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाहपुरा फूलिया कला के कोठिया में आयोजित हो रही नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में रात्रि फाइनल मुकाबला अजमेर और नयागांव बूंदी के मध्य खेला जाएगा। आशाराम माली ने बताया कि 5 अक्टूबर से समस्त ग्राम वासियों द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास आयोजित की जा रही रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला अजमेर और नयागांव बूंदी के मध्य खेला जाएगा। प्रतियोगिता में अब तक 65 टीमें भाग ले चुकी है और शनिवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें पहला सेमीफाइनल नयागांव बूंदी और खारिका लांबा के मध्य खेला गया, जिसे नयागांव बूंदी विजय हुई, और दूसरा अजमेर और नसीराबाद के मध्य खेला गया, जिसमें अजमेर विजय हुई। रविवार रात अंतिम फाइनल खेला जाएगा, जिसमें नयागांव बूंदी और अजमेर के मध्य मुकाबला होगा। शनिवार रात प्रतियोगिता में अध्यक्षता कर्नाटक राज्यपाल के ओएसडी शंकर गुर्जर और मुख्य अतिथि गुलापुरा पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने की। शंकर गुर्जर ने टूर्नामेंट की मेजबानी में उत्कृष्ट व्यवस्था प्रबंधन के लिए मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि खेल जीवन में आकर्षण व्यक्तित्व निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकास होता है, जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने उपस्थित खिलाड़ियों को प्रेरक भाषण के माध्यम से संबोधित कर उनका उत्साह वर्धन किया। ओएसटी गुर्जर ने रात्रि में प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को क्रिकेट किट भेंट किया। कार्यक्रम में फूलिया मंडल अध्यक्ष उदयलाल सिरोठा, सरपंच प्रतिनिधि रामलाल गुर्जर, महादेव गुर्जर, फूलिया कला किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी, भाजयुमो अध्यक्ष योगेश शर्मा मौजूद थे तथा खिलाड़ियों को शारीरिक शिक्षक शिवराज गुर्जर देवरिया, देवरिया सचिव यूसुफ मोहम्मद सहित कई लोगों का साफा बंधवा कर स्वागत किया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।